हमारी पार्टी ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी वे अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपने पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे। और इस संबंध में मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ने खासकर आपके मैनपुरी लोकसभा की सीट से, इसके बगल में एटा लोकसभा की सीट से, फिरोजाबाद लोकसभा की सीट से, तो हमने जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है तो ये तीनों के तीनों उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में, और यहाँ मैनपुरी लोकसभा के लिए उम्मीदवार जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये किसी को जिताने व हराने के लिए नहीं बल्कि खुद रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से चुनाव जीतने के लिए यह चुनाव के मैदान में उतरे। विरोधी पार्टियां यहाँ प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है, लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। दो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली गई। हालांकि आज यहाँ की इकट्ठा हुई अपार भीड़ व भीड़ के भी जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। और इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही, किंतु इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों के लिए बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए। लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही यानी कि भारतीय जनता पार्टी की भी ज़्यादातर रही जातिवादी पूंजीवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से, तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार
फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी एवं नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी के रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। आज के उत्तर प्रदेश में जिस क्षेत्र में भी जो भी खेती होती है तो उनको खेती करने के लिए हमने समय से सस्ते साधन उपलब्ध कराए और उनके फसल का भी उचित दाम दिया, ये भी आप लोगों को मालूम है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है, विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और इससे भी ज्यादा दुखी बात यह है कि जब आपके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इस सरकार ने तो इन वर्गों के कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही बिल्कुल खत्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही
लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा बहुत पहले ही सचर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के